मेरी प्यारी YouTube फैमिली, क्या आप मेरे साथ इतना सॉफ्ट, इतना टेस्टी और इतना हेल्दी टी केक बनाना नहीं चाहेंगे? देखिए, ये बहुत ही सुपर टेस्टी और बिल्कुल गेहूं के आटे से बना के हमने तैयार किया, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए चलिए एक डोंगा ले लेते हैं हम, कोई भी बर्तन आप ले लेना, और उसमें डाल देते हैं दही। और दही बिल्कुल खट्टा नहीं होना चाहिए, फ्रेश दही होना चाहिए। हाफ कप दही डाला है और 1/4 कप ऑयल डाला है, और ऑयल में कोई टेस्ट या स्मेल नहीं होनी चाहिए। और चीनी डाली है 3/4 यानी कि 1/4 कप। अगर आपके पास कप में मेजरिंग नहीं है तो ऑयल आप कैसे डालेंगे? जो अपनी खाने वाली बड़ी वाली चम्मच होती है उससे आप 4 डाल देना। इनको अच्छे से मिलाना है। और हाँ, सबसे पहला काम जो है वो, अगर आप चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को यानी कि घंटे के बटन को ज़रूर दबा दो, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो ये देखिए, ये 1 कप हमने आटा डाल लिया है, छलनी रखी है, छलनी में डाला है, और मिल्क पाउडर हम डालेंगे 4 टेबल स्पून डालना, या आप 1/4 कप डाल देना। देखिए, जबान थोड़ी सी फिसल जाती है, कोई उसको मतलब सोचना नहीं अब ज़्यादा। और अभी डालना है हमने बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर डालेंगे जितना हमने आटा लिया है, 1 कप आटा लिया है तो 1 टीस्पून हम बेकिंग पाउडर डालेंगे। और बेकिंग सोडा बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं डालना है, 1/4 टीस्पून, 1/4 से कम हो जाए लेकिन ज़्यादा नहीं करना है बेकिंग सोडा। इनकी मेजरिंग एकदम परफेक्ट होगी तो आपका केक बहुत ही स्पंजी बनेगा, जैसे मेरा बनता है। और ये वाला केक आप सफ़र में ले जाओ, आप ऐसे डेली खाओ या बच्चों के टिफ़िन में दो, बहुत ही मस्त और यमी लगते हैं। और ये देखिए, इसको अच्छे से हमने छान लिया है। अभी हम क्या करेंगे, डालेंगे दूध, और दूध बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, और जो हाँ दही भी डाली थी वो भी बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे ही होनी चाहिए। तो हमने ये 1/2 कप दूध लिया है, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे। और दूध थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, वो डिपेंड करता है आपकी दही कितनी गाढ़ी है या कितनी पतली है उसी पे। तो ये 1/2 कप दूध हमने डाल दिया है और इसको हम अच्छे से मिला लेते हैं। और ये देखिए, बिल्कुल लम्स फ्री मिलाना है हमने, कोई भी गांठे या गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो फिर वो केक में आएंगी ऐसे ही, अच्छे से केक में दिक्कत करेगी फिर वो। तो देखिए, मुझे थोड़ा सा बैटर गाढ़ा लग रहा है, तो ये मैंने सिर्फ 1 टेबल स्पून जितना और लिया है, अंदाज से लिया है। और ये देखिए, इसको भी हम अच्छे से मिला देंगे। और ये देखिए, मिलाते मिलाते ये मैं आपको कंसिस्टेंसी भी दिखा देती हूँ बैटर की। और अभी ये देखिए, ये डाल दिया है हमने वनीला एसेंस। इससे क्या होगा, जो आटा हमने डाला है इसमें आटे का टेस्ट नहीं आएगा। 1/2 टीस्पून डालना है। और इलायची अगर आपके पास है तो आप इलायची पाउडर डालना, मेरे पास इलायची पाउडर नहीं था, मैंने इलायची एसेंस डाला। फिर ऊपर से मैंने रोज एसेंस डाल दिया। आपके पास केवड़ा जल है आप वो भी डाल सकते हो, या आपके पास और कोई फ्लेवर है आप वो भी डाल सकते हो, ये ऑप्शनल है। मैंने रोज डाला है, रोज एसेंस। तो ये देखिए, ये अभी पैलेट स्पैचुला से ज़रूर इसको अच्छे से एक बार हिलाना है और देखना है कहीं कोई गांठे तो नहीं रह गई हैं। और ये देखिए, बैटर की कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी है। और क्योंकि ये जो नॉर्मल हम केक बनाते हैं उससे इसका बैटर थोड़ा सा थिक होता है यानी कि गाढ़ा होता है। तो केक टीन हमने पहले से तैयार कर रखा है और उसमें सारा बैटर हम ट्रांसफ़र कर देंगे। और देखिए, अगर आपके पास ये पार्चमेंट पेपर वगैरह नहीं है तो आप ऑयल ग्रीस करो, हल्का सा आटा डस्ट करो और उसमें भी आप इजीली बना सकते हो। तो ये देखिए, कुछ ड्राई फ्रूट और मेरे पास रेड कलर की टूटी फ्रूटी थी तो वो सब भी हम इसके ऊपर डाल देते हैं टैप टैप करने के बाद। ये डालने के बाद आपने टैप टैप नहीं करना है। और हाँ, अगर आपने इसके अंदर भी मिक्सिंग करनी है ड्राई फ्रूट्स की, तो आप एक बार पहले ही इसमें ड्राई फ्रूट की मिक्सिंग करके ऊपर से ड्राई फ्रूट ऐसे ही आप सजा देना। तो ये देखिए, ये हम सारे जितने मेरे पास ड्राई फ्रूट है उतने हम सारे सजा देंगे। और इसको अगर आप कढ़ाई में बेक करेंगे तो 10 मिनट के लिए कढ़ाई को भी प्री हीट करना है,
और फिर आप 1 घंटे के लिए इसको रख दें बेक करने के लिए कढ़ाई में। और अगर माइक्रोवेव में करेंगे तो माइक्रोवेव में भी ये 40 से 45 मिनट्स ले लेगा, और वो भी 10 मिनट्स के लिए प्री हीट करने के बाद 160 या 170 डिग्री पे, क्योंकि हर माइक्रोवेव का और ओटीजी का टेम्परेचर में थोड़ा सा फ़र्क होता है, 5 मिनट ऊपर या नीचे लग सकती हैं। तो ये देखिए ये बन के हमारा तैयार हो गया है, 45 मिनट्स इसको लगी हैं, और ये देखिए कितना स्पंजी। और मैं अंदर से भी काट के इसकी जालियाँ दिखा देती हूँ, तो देखिए काटने से भी पता चल रहा है कि कितना स्पंजी हमारा टी केक बन के तैयार हुआ है, और वो भी आटे से बिल्कुल हेल्दी। ये देखिए मैं एक पीस आपको उठा के भी दिखा देती हूँ, मेरा तो खाने का बहुत मन हो रहा है, हालांकि मैं खाऊंगी। तो ये देखिए अंदर की जालियाँ देखिए और स्पंजीनेस देखिए इसकी, ये बिल्कुल देखो मैं बिल्कुल दबा दे रही हूँ, और अच्छे से ये बहुत ही स्पंजी है, ये केक बन के तैयार हुआ है। तो आप भी ज़रूर बनाइए अपनों के लिए, और जहाँ भी सफ़र पे जाएँ तो इसको बना के जरूर ले जाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।